हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिव्यू। आज का वीडियो हेयर ग्रोथ के लिए है। बालों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर आपके बाल नॉर्मल से ज़्यादा गिर रहे हों तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना होता है। ये हेयर मास्क जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके बालों को वापस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा और आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बालों को नेचुरली स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाएगा। ये ऑल इन वन सोल्यूशन है आपके बालों की कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या है, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लीन बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बालों का झड़ना बंद कर देते हैं। हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम लोग केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। अगर हमारे बालों में प्रोटीन कमी हो जाए तो बाल डैमेज, डल और फ्रिजी हो जाते हैं, साथ साथ वो गिरने भी लगते हैं। तो कोकोनट मिल्क को यूज़ करने से वो हमारे बालों के नेचुरल प्रोटीन को रिकवर करेगा, हमारे बालों को झड़ना रोकेगा और बेहद स्मूथ बनाएगा। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 4 चम्मच कोकोनट मिल्क। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कोकोनट मिल्क घर में कैसे बनाना है तो आप मुझे बताएं नीचे कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि घर में कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं। ये बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है। इसके इस्तेमाल करने से हमारे बाल जो होते हैं वो नेचुरली कंडीशन होते हैं, बेहद स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हमें इसके लिए चाहिए वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है। 2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाल लें। एलोवेरा जेल हमारे स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है। हमारे स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि डैंड्रफ, कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फिर इचिनेस, उसे ख़त्म करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे बालों में डैंड्रफ या फिर इचिनेस होगी तो उसकी वजह से हमारे बाल टूटेंगे। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल करने से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। लास्ट में हम लोग इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल। 2 विटामिन ई की कैप्सूल इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो, ऑयल हो, तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरह से कट कर लें और इसमें ऐड कर लें। विटामिन ई ऑयल के हेल्प से हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है और बाल 2 गुनी तेजी से लंबे और घने होने लगते हैं। बालों में विटामिन की कमी से भी बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई के इस्तेमाल से बालों में विटामिन की कमी जो होती है वो दूर हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये पैक बनके तैयार है। इसे आप अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लें, और अगर ये बच जाए तो आप इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लें। ये आपके स्कैल्प पे एक हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा और आपके बालों पे ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगा। इसे अप्लाई करके आप 30 से 40 मिनट के लिए वेट करें, और 30 से 40 मिनट के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें किसी भी शैम्पू कंडीशनर से जो आप यूज़ करते हों। इस रेमेडी को वीक में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें और बहुत ही जल्द आपके बाल मैसिवली ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग रेमेडी के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।